हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी मूवी ब्लॉकबस्टर इतराज के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से हिंदी फिल्मों की खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उत्पीड़न पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्म का निर्माण किया है। इन फिल्मों की सूची में हथियार, मदर इंडिया, दामिनी, लज्जा, पिंक जैसी फिल्में शामिल है। दोस्तों ऐसी ही एक फिल्म अब्बास मस्तान ने भी बनाई, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। साल 2004 में आई इस फिल्म का नाम इतराज था। उत्पीड़न पर बनी तमाम फिल्मों में इतराज बिल्कुल अलग कतार में दिखाई देती है। फिल्म में एक लेडीज बॉस द्वारा एक पुरुष कर्मी का उत्पीड़न दिखाया गया है। दोस्तों फिल्म में अक्षय कुमार, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, अमरीश पुरी और अनु कपूर ने मुख्य भूमिका अदा किया है। दोस्तों फिल्म की कहानी राज मल्होत्रा अक्षय कुमार की है, जो मिस्टर राय अमरीश पुरी की कंपनी में काम करता है। मिस्टर राय की पत्नी सोनिया प्रियंका चोपड़ा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अपनी मर्जी नहीं चलने पर सोनिया राज पर रेप का झूठा केस कर देती है, लेकिन राज हार मानने की बजाय केस लड़ता है और इसमें उसका साथ उसकी पत्नी प्रिया मल्होत्रा करीना कपूर देती है। उत्पीड़न पर जो फिल्में हमारे सामने आती है, उन फिल्मों में मुख्य रूप से रेप केस दिखाए जाते हैं, लेकिन इतराज में इस चीज़ को फिल्माया गया है कि एक पुरुष के साथ भी यौन उत्पीड़न हो सकता है। फिल्म के संवाददाताओं ने काफ़ी हद तक फिल्मों को समझाने की कोशिश की। जैसे करीना कपूर कहती हैं कि मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन किसी मर्द के साथ औरत की इस हरकत से मुझे इतराज है। अपने अलग विषय के चलते फिल्म को बहुत ही सफलता मिली। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के अभिनय को काफ़ी पसंद किया गया था। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा को अपने नेगेटिव रोल के लिए कई अवार्ड भी मिले थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा कारोबार किया। 11 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 26 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था। दोस्तों इस फिल्म में अमरीश पुरी ने प्रियंका चोपड़ा के पति का किरदार निभाया था। अब मज़ेदार बात यह है कि फिल्म मुझसे शादी करोगी में अमरीश पुरी ने प्रियंका के पिता का किरदार निभाए थे। दोस्तों वही इन दोनों ही फिल्मों में अक्षय कुमार थे। खराब स्वास्थ्य की वजह से अमरीश पुरी एक सीन का डबिंग नहीं कर पाए थे और मेकर्स ने उन सीन को बिना डब किए ही रिलीज कर दिए थे। दोस्तों अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की ये तीसरी फिल्म साथ में थी। दोस्तों इससे पहले दोनों अंदाज और मुझसे शादी करोगी में साथ नजर आए थे। इस फिल्म के लिए प्रियंका को बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दोस्तों वही इससे पहले बतौर फीमेल ये अवार्ड काजोल ने गुप्त के लिए जीता था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद किसी एक्ट्रेस को बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर नहीं मिला है। आपको बता दें कि करीना अवार्ड प्रियंका ने भले ही इतराज में एक साथ काम किया हो, लेकिन इस फिल्म के बाद दोनों ने एक साथ कोई मूवी नहीं की। हालांकि करीना ने शाहरुख खान और फरहान अख्तर की वजह से फिल्म डॉन में ये मेरा दिल आइटम सॉन्ग किया था। करीना और प्रियंका के बीच 36 का अकरा रहता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे से हमेशा दूरी बनाकर रखती हैं। दोस्तों फिल्म की स्टोरी और फिल्म कास्ट की स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके से हिंदी फिल्मों की खबरें आप तक पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।